तो रात हम तकरीबन 9 बज गए थे हमें, और उसके बाद हम एक ढाबे पर रुके थे जैसे कि मैंने रात आपको बताया था। उसके बाद फिर हम घर आए और खाना छाना खाया और काफ़ी थक गए थे, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर सका और फिर हम सो गए। इस टाइम सुबह के 6 बज रहे हैं और हम लोग उठ गए हैं। मुजम्मिल भाई अभी भी थोड़ा थोड़ा नींद में है, बाकी लोगों को भी मैंने उठा के आया हूँ, तो आधी नींद में और आधे जाग रहे हैं, तो बस इनको भी तैयार करवाना है ऐसे एज सून एज पॉसिबल, फिर हम अपना जेलम में आने का मकसद पूरा करेंगे। तो शिजे भाई को भी उठाया है, वो फिलहाल अभी मेरे ख्याल से नाश्ते का भी बंदोबस्त करने गए हैं, और वो आते हैं तो फिर हम आगे की अपनी जर्नी डिस्कस करते हैं कि हमने क्या करना है जेलम में और आज का दिन हमारा जेलम में कैसे स्पेंड होगा। तो इसी के साथ टच में रहिएगा, वीडियो देखते रहिएगा। तो हो गया जी तैयार, जमील भी जा चुका है वॉशरूम में तैयार होने के लिए, और अभी कौन नहीं हुआ तैयार ये मैं आपको बताता हूँ और साथ दिखाता भी हूँ। ये भाई है, इसको तकरीबन मैं अभी 6 बजे से कह रहा हूँ उठ जा उठ जा, ये बंदा कहता है मैं 7 बजे आपको तैयार नहीं होऊंगा, और ये उठने के लिए तैयार ही नहीं है। जो साधु था वो उठ के जा चुका है, अब कहाँ गया है ये नहीं पता, आएगा तो पता लगेगा, लेकिन ये भाई जो है ना मैं बहुत तंग कर रहा है यही भाई। तो फाइनली हम लोग तैयार हैं, मैं और शहबाज, और हमारा नाश्ता भी आ गया, और नाश्ते में है हमारे पास आलू का पराठा और दही, और अब नाश्ता करते हैं फिर फाइनली हम लोग जाएंगे जेलम घूमने। ने खा ली, अब हमारी है जी तैयारी, थोड़ा सा वॉक करते हैं, और शेजे भाई भी ऐसे ही घूम रहे हैं, पता नहीं कब तैयार होंगे, तो जब तक ये तैयार होते हैं हम लोग बाहर वॉक करते हैं और देखते हैं कि बाहर का निज़ाम क्या है और क्या सीन है ओवरऑल। इधर से जाओ ना, इधर पीछे से जाओ। अच्छा ठीक है, पीछे बस चले जाओ सीधे ही। अच्छा ठीक है, देखो उधर क्या मतलब, थोड़ी ज़मीनें ज़मूने टाइप भी हैं, और वो पानी का वो जो उधर से नहीं आया था कल, वो कैसा टाइप, हाँ हाँ वो आएगा, इधर जाओ, वो इतनी देर में कुछ चक्कर लगाओ। दोस्त ने आना आपके, दोस्त आता नहीं आता, मैं उसको भेज देता हूँ आगे पीछे, बस रास्ता याद रखना डर ना इधर जाए। जाना। और नहीं हमने तो दीवार को फॉलो करना है। अच्छा हमारे पीछे ये जो है ना ये मिलिट्री जेलम, हम हैं इस टाइम सिलाई आलमगीर में, लेकिन जो हमारे पीछे है ये जेलम का मिलिट्री, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, वो एक चौकी बनी हुई है, वो एक चौकी बनी हुई है, काफ़ी बड़ा ये स्कूल है, यहाँ पर 8 क्लास से एडमिशन शुरू होते हैं, मेरे ख्याल से 5 क्लास से भी शुरू हो जाते हैं एडमिशन आर्मी के लिए, और एक प्रॉपर सेटअप है, यानी कि बड़ा हैवी सीन है यहाँ पर, और ये बहुत बड़ा है। बाकी मुजम्मिल भाई वो आगे जा रहे हैं, हम इनको फॉलो करते हैं और देखते हैं कि कहाँ जाना है। मुजम्मिल उसको शहबाज को आने दो ताकि ना इजी होके जाए। यार वो क्या लगा हुआ है, वो घोंसले बने हुए हैं ना, एक सेकंड एक चीज़ नजर आए, मैं एक चीज़ वो घोंसले हैं। ये है जी भांग का पौधा, और इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा भांग के पौधे ऐसे लगे हुए हैं जिस तरह सवाब का काम है, और इसकी निशानदेही इस भाई ने की है, ये जो हमारे आगे भाई जा रहे हैं ना, इनको मेरे ख्याल से काफ़ी पहचान है भांग की। मुजम्मिल भाई कैसे, मुजम्मिल भाई कैसे आपको ये टैलेंट आया? कंपनी बहुत अच्छी है ना, अजीम लोग हैं कंपनी में, नहीं तो आपको पहचान भी होगी असल और नकल की। दोस्त है ना वो करवा, वैसे मैंने भी क्या सवाल पूछा असल और नकल, मैं इसमें क्या असल और नकल होगा, अभी तो उग रही है। नहीं नहीं इसका बड़ा हिसाब होता है। अच्छा इसका भी हिसाब होता है? हाँ बहुत हिसाब होता है इसका। तो जी हम जा रहे हैं जी वॉक पे,
तैयार हो गया नाश्ता करके, ताकि हम थोड़ा सा सराय आलमगीर की सड़कें घूम लें। हम फॉलो करते हैं इस आवाज़ को मोटर की और वहाँ पे जाने की कोशिश करते हैं। आज इसमें से हमने से जाना है, अब पता नहीं क्या होगा। पीछे खेत है, मैं उधर भाई 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 रे मेहरबानी। नहीं यार, हम आवाज इधर से भी पूरी कर लेंगे यार, चलते हैं इधर, कुछ नहीं होता सुबह के टाइम में। सुबह के टाइम कुत्ते भी कुछ नहीं कहते, ऐसे ही है ना, वो रात के टाइम से काटते हैं। इतनी खामोशी है कि लोग ऐसा लग रहा है कि अभी उठे ही नहीं है, अभी सोए हुए हैं। और ये लाहौर शहर होता, बस एक चीज़ का फ़र्क है, अगर धूप ना होती है तो लिटरली ऐसा लग रहा था कि रात है। इतनी सुनसान गली के मैं अगर कुछ बोल भी रहा हूँ ना तो मेरी आवाज़ गूंज रही है, इवन कदमों की आवाज़ भी गूंजेगी। देख रहे लोग रहते हैं शहज़ेब रज़ा हाउस। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ है, इस पूरे मोहल्ले में ना आपको बाटी बाटी मिलेंगे, एक तो बट दूसरे कश्मीरी, मतलब सारे ही कश्मीर से आए हुए लोग हैं और इधर आके सेटल हो गए हैं। इवन इनकी कॉलोनी का नाम भी कश्मीर कॉलोनी है, ये सीन है यहाँ के। हाँ, ये कश्मीरी ब्लॉक्स भी इन्होंने रखे हैं। सही तो है, इतना तो होता है। रास्ता देखें काफ़ी हैवी है। क्या चीज़ कह रहे हैं, मुजम्मल भाई कह रहे हैं यहाँ पे लोग ना जंगल पानी के लिए आते हैं, हम जैसे बहुत दूर गांव में आ गए हैं। खैर ये बात अगर शहज़ेब बट को पता चली ना, उसने कहना है कि ऐसे है तो ऐसे ही जंगल पानी के लिए आते हैं, क्योंकि रास्ते में बहुत ज़्यादा गंद है। बस ये है कि ध्यान से ज़मीन पे देख के चलना है, हालात बहुत बुरे हैं अभी, बहुत ज़्यादा ख़तरनाक। इस तरफ हमारे नाला है, ये नाला नीचे, और ये मैं इस रोड पर ऐसे चल रहा हूँ, ये रोड है। और मुजम्मल भाई अब कह रहे हैं यहाँ के रास्ता नहीं है, और रास्ता ये है छोटा सा, तो हम इसके ऊपर चल के वहाँ से यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये बेसिकली खेत है और हमें यहाँ पर लग रहा है कि मे बी यहाँ पर बीज वगैरह लगाए गए होंगे। हम उस ट्यूबवेल की आवाज़ सुन कर आए थे और वो मेरे ख्याल से इधर ही कहीं ही चल रहा है। अच्छा सीन है, अच्छा इंजॉय करवाने वाला है, मतलब एक पुरसकून माहौल है। और मेरे ख्याल से यहाँ पर ऐसे एक हवेली सी बन रही है। मुजम्मल भाई वहाँ पर आगे दौड़ी जा रहे हैं, उन्होंने पता नहीं क्या करना है। मैं उधर से उतर के नीचे आ गया, मैंने कहा मैं क्या इतनी मेहनत करनी है, और वो मुजम्मल भाई है। मुजम्मल भाई जो है वीडियो बना रहे हैं मेरी, आजकल पता नहीं इनको क्या शौक चढ़ा है, जैसे ही मैं कुछ व्लॉग करने लगता हूँ तो मुजम्मल भाई मेरी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर देते। खैर हम थोड़ा सा खेतों का नज़ारा लेते हैं और देखते हैं कि क्या सीन है। लेकिन मुझे लिटरली ये माहौल काफ़ी पसंद है, और मैंने इसे मिलती जुलती एक चीज़ भी स्टार्ट की है, उसकी वीडियो भी आप तक जल्द पहुंचेगी, और आप लोगों को तब वाकई फील होगा कि हाँ कि मुझे इस तरह का एक शौक़ उजागर है। यहाँ पे अगर हमें कोई मालिशा नहीं मिलता तो थोड़ी इनसे बातचीत करते हैं कि क्या सीन है। अभी यहाँ पर फसल कोई लगाई गई है, अभी हम जज करने की कोशिश करते हैं किस चीज़ की फसल है। और ये फसल है जी, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा ये क्या लगा हुआ है, क्योंकि हल्का हल्का निकल आया है लेकिन है सच पता नहीं लग रहा। हाँ जी मुजम्मल भाई बताएं क्या है। बहुत छोटा है यार इसका, अभी बीज से निकलेगा तो। हाँ है तो छोटा ही, सीन हैवी है। ये किस चीज़ का लगा हुआ पौधा, ये पट्टे हैं, चारा है ना ये भैंसों के लिए जो चारा है, जो कि हम नॉर्मली ईद के दिनों में लेते हैं। अभी वो है केड़ी शाह लगी जे गोभी, तो गोभी है, बंद गोभी है ना। हाँ हाँ गमले च लग सकदी ने या नहीं,
नहीं हूं जी मैं लेनी थी ना अगे जाके, लेकिन पता तो है केड़ी लग सकते हैं, दुकानदार ने तो यही कहना है सब कुछ ही लग जाएगा। ये लगी हुई है जी बंद गोभी की पनीरी, इसको बेसिकली पनीरी बोलते हैं, और बड़ा ही डिस्टेंस पे उन्होंने लगाया हुआ, और बड़ा हैवी सीन लग रहा है, मतलब हर चीज़ एक अलाइनमेंट के साथ लगी हुई है, और मुझे तो बड़ा इम्प्रेस की ये चीज़, दिल कह रहा है बुट के लाए जमा कार, लेकिन क्या कर सकते हैं। मुजम्मल भाई मेरा दिल पता क्या कर रहा है, इसमें से उखाड़ूँ शॉपर में डालूँ और ले जाऊँ, है सी ना सर, पूछ के लेके जाएंगे ना कहते हैं कि उस बंदे ने देख लिया, तो मैं कहा पूछ के लेके जाते हैं, उसने कई पकड़ी हुई है यार, ऐसे तीन बंदे हैं की हो गया यार, नहीं ये मजाक नहीं है, मजाक ये मजाक नहीं है। फाइनली हम लोग पहुंच गए, और मुजम्मिल भाई ने पानी भी उड़ाना शुरू कर दिया, और ये लगा हुआ है जी ठंडा पानी है, हम गए थे ना ये पिछले दिनों कसूर, वहाँ पर ट्यूबवेल में नहाए थे, अखीर मज़ा आया था, मतलब ये है कि अगर आज हम जाते हैं कहीं घूमने तो कहीं सेंटर में रुक के ट्यूबवेल पर नहाएंगे, तो हमने रास्ता चूज़ किया शॉर्टेस्ट रास्ता, आए हम उस तरफ से थे, लेकिन हमने कहा हमने वापस वहाँ से नहीं जाना, चूँकि हमने बहुत ज़्यादा खाना हज़म कर लिया, अब हमने पार करना है ये एक छोटा सा दरिया रावी पार करना है, हाँ लिटरली एक तरह का दरिया रावी है, चूँकि ना रावी में पानी ना इसमें पानी है। तो भाई नाला कहाँ से पार हो रहा है, पुल कौन सा बना हुआ है यार, छलांग मार के चले जाते हैं, है देखो और सुरंगे बनी हुई है, ये यहाँ से दिल्ली निकला जाता है यार, जाया जा सकता है, इधर से आगे देखिए यार मुझे, मतलब इधर ऐसा फंसता है यार, नहीं है ना देखो यार, कोई सीन ही नहीं है भाई, आगे क्या नहीं आता है, सफारी बता रहे हैं क्या, ज़्यादा पानी है क्या, पानी काफ़ी ज़्यादा ना, पुल नहीं है इसके यार, चलो तैर के चले जाएंगे, नहीं दोनों को यार सानू लैन पेज किसी बंदे नू, अभी थक गए हैं हम, एक दो पनीरी निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पूछ के हम निकालेंगे, हम बहुत ज़्यादा चेक करो उस बंदे ने, उन्हें बोरी चुक लिया, उन्होंने ए गंद पाना होंगे वे, चलो वेखने वे को ना बेची ना मिली है तो फिर आगे ले लेंगे, आगे स्कूल से फिर पकड़ लेंगे, शॉपर का मसला है किससे उखाड़ेंगे, मट्टी समेत उठाना होता है ताकि उसके जड़ों को हवा ना लगे और वो इजी सुकून हो जाए, मैं वही कहता हूँ चलाओ चले इधर से ही तो है ना रास्ता, वो आगे निकल ले लेंगे फिर, सीधा सा चलते हैं और जाके उससे कहेंगे अगर तो वहाँ से बीच चीज नहीं मिलते फिर ले लेंगे आगे पकड़ लेते हैं, और शॉपर शॉपर होना तो इजीली वो निकाला जाएगा, लेकिन यह कि उन्होंने बंद गोभी यहाँ भी वहाँ भी हर तरफ बंद गोभी लगाई हुई है, आइडिया की करनी है बंद गोभी इन्होंने, तो अब हम जा रहे हैं वापस, हमने बहुत खेत घूम लिए, अब हम जाएंगे वापस और जाकर देखते हैं अगला प्लान, क्योंकि अब यहाँ पर धूप काफ़ी ज़्यादा होने लग गई है, और मेरे ख्याल से हम अगर इन सारी एनर्जी अपनी यहीं पे वेस्ट कर देंगे तो, दूसरा ये इन्होंने तारों के लिए मतलब ये कोई तार भेजी होगी ट्यूबवेल चलाने के लिए, उन्होंने ये लकड़ी के बनाए हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से यहीं पर एक लंबा सा खंबा लगा के डायरेक्टली तार वहाँ कर देते तो सुकून हो जाता, क्योंकि इस तरह उन्होंने 10-10, 20-20 फुट के फासले पे लकड़ियाँ लगाई हैं और अच्छी भी नहीं लग रही, मैं कहते एक ही लंबा सा लगाते और सुकून से अपना काम करते हैं।